हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लेयर। आज हम करेंगे रेशो। जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरीके का सिलेबस होता है, जैसे कि एयरफोर्स नेवी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी और एनडीए में जो प्लस वन प्लस टू का सिलेबस आता है, और जो अर्थमेटिक या एडवांस मैथ है वो आपका जैसे कि वाई ग्रुप है, या जैसे कि आपका एसएससी है, बैंकिंग है, सीडीएस है, एफकेट है, इन सब एग्ज़ाम के अंदर आता है, रेलवे है जैसे, तो ये भी हम स्टार्ट करेंगे। तो रेशो कर रहे हैं आज। तो रेशो के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सेम क्वांटिटी, समान मात्रा। हम थोड़ा सा मिक्सिंग करेंगे हिंदी और इंग्लिश के, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना आए, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी आसानी से हम कर पाए। तो सेम क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए, तभी रेशो होगा। अगर सेम क्वांटिटी में नहीं है तो रेशो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, 2 kg का रेशो आपको करना है 500 ग्राम के साथ। 2 kg का रेशो आपको किसके साथ करना है? 500 ग्राम के साथ करना है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है। तो सेम क्वांटिटी इनको बनाना पड़ेगा। तो या तो इसको किलोग्राम बना लीजिए या इसको ग्राम बना लीजिए। तो ग्राम बनाएंगे तो कितने ग्राम होंगे? 2000, और ये 500 ग्राम। तो इनको कट कर लीजिए, जिस पे भी कट होता है मैक्सिमम फैक्टर। तो मैक्सिमम फैक्टर 500 पे कट हो रहा है 4 पे, तो 4:1 आ गए, ठीक है। या फिर दूसरा मेथड जो है वो क्या है कि इसको किलोग्राम बना लीजिए। तो ये तो 2 kg हो गया और ये 1/2 kg हो गया, आधा किलो हो गया। तो अब इनका रेशो लेना है, तो रेशो लेंगे तो 2:1/2 आ गया। अब कैसे करेंगे? हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ गया? 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, 4:1। जब एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम लिया होता है वो छूट जाता है, छोड़ देते हैं उसको, तो आपका जो रेशो है 4:1 आ गया। मेथड सेम रहेगा, मेथड अलग हो गया, क्वेश्चन जो है वो सेम रहेगा। ये वाला इजी रहेगा, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना हमेशा इजी रहता है, ताकि प्रॉब्लम नहीं आती, एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ता। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी है रेशो के अंदर, वो क्या होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी, समान मात्रा। अब समान मात्रा कैसी है? किलोग्राम ग्राम हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर हो सकता है, लीटर मिलीलीटर हो सकता है, या फिर आवर्स हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है। तो आपको चेंज करके उसके बाद जो है रेशो लेना है। हाँ जी, अब देखिए आगे जो सेकंड चीज है, फर्स्ट चीज ये होगी, सेकंड चीज है तरीका लिखने का कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5:2 है, पहला तरीका ऐसे लिख सकते हैं इसको, रेशो के लिखने का तरीका है ये। दूसरी चीज 5/2 लिख सकते हैं, 5/2 टाइम्स बोल लीजिए, 5/2 टाइम्स लिख सकते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई 100, 250% लिख सकते हैं। चौथा तरीका लिखने का 5/2 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ एक ही है रेशो ही, लिखने का तरीका अलग है। 5:2 लिखो, 5/2 लिखो, 5/2 मल्टीप्लाई 100, 250% लिखो। 250% का मतलब होता है 250/100, तो 50 से कट रहा है, 5/2 आ रहा है, क्लियर। और 5:2 रेशो लिख सकते हैं। तो ये तरीका है रेशो को लिखने का, जो मेथड है वो एक ही रहेगा, तरीका आपका जो लिखने का है वो चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, तो सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरा आपको रेशो निकालना है तो मिनिमम जो फैक्टर होगा उसके अंदर होना चाहिए, जैसे कि 25:35 रेशो है, लेकिन अब ये कट हो रहा है, किस पे कट हो रहा है? 5 पे। तो 5 पे कट करेंगे तो 5 और ये 7, तो 5:7 आ गया। मिनिमम जो छोटे से छोटा फैक्टर जो हम दिखा सकते हैं वो दिखाएंगे, काटते जाएंगे, जहाँ कट होएगा वहाँ पे छोड़ देंगे, जहाँ कट होना बंद हो जाएगा वहाँ छोड़ देंगे। तो अब देखिए आगे, तो पहला तरीका क्या था? सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारा कि लिखने का तरीका ये वाला रहेगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, तो इसके अंदर और क्या कर सकते हैं हम लोग?
थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा, डिवाइड 450 इंटू 5:4 450 को 5:4 में बांटो। ठीक है, तो किस तरीके से बांटेंगे, तो पहला जो पार्ट है, पहला जो हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट इज 450 450 गुना में 5 और बटे में इनका टोटल, बटे में इनका टोटल, तो कितना हो गया ये 250, ये अपना जो कट हो गया 50 पे, 50 मल्टीप्लाई 5 250 हो गया। एंड दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट, ये जो हो गया आपका 450 गुना में 4/9, ये आपका कितना आ गया 200। इस तरीके से बांटना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो 450 जो है वो क्या है, उनका सम है, जोड़ है उनका, तो उसको ऐसे हिस्सों में बांटना है कि उनका अनुपात जो है 5:4 आए। अगर इनको अगर हम कट करके देखें तो रेशो आएगा 5:4 और इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा 450। अब ये 2:0 भी हो सकती है और ये हो सकता है 3:0 भी हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जो मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं उन बच्चों को भी क्लियर हो जाए, और लेंथी से लेंथी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल भी हम इसके अंदर करेंगे ताकि जो एडवांस करने वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो इसी को हम 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे डिवाइड 1500 इंटू 5:4:1 मान लीजिए, इसमें डिवाइड करना है 5:4:1 में, तो पहला जो हिस्सा है वो आ जाएगा 5/10 5, 4, 1 का टोटल, जो सेकंड है वो आ जाएगा 4/10 और जो थर्ड है वो कितना आ जाएगा 1/10, तो ये आपका हो गया 750, ये 600 और ये 150। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर, बिल्कुल इजी है। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दो संख्याओं का योग 450 है और उनका अनुपात जो है आपका 5:4 है, तो संख्याएं बताओ। सम ऑफ टू नंबर इज 450 एंड रेशो ऑफ देम 5:4, फाइंड द नंबर। तो इसके अंदर क्या होगा, वही क्वेश्चन है, 450 तो जो है वो टोटल है और 5:4 में डिवाइड करना है, तो 5/9 एंड 4/9, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 250 और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 200। क्लियर, क्वेश्चन किसी भी तरीके से लिख सकता है, लेकिन जो चीज़ वह है, जो क्वेश्चन है वो वही रहेगा। अब देखिए, आगे अभी आपको क्या दे रखा था, इसके अंदर योग दे रखा था, अभी यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है अंतर, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 150 है, उनका अनुपात 3:2 है, तो संख्याएं बतानी आपको, तो संख्याएं बताओ। इसी को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 150 एंड रेशो बिटवीन देम 3:2 एंड फाइंड द नंबर। जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है उसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इजीली तरीके से समझ सकता है वो स्टूडेंट। तो अब देखिए, तो हमने इन नंबरों को मान लिया 3x और 2x, तो 3x और 2x एज्यूम कर लिया, तो 3x माइनस 2x
इनका जो अंतर है वो कितना है, 150 है, अपना अंतर कितना आया x, तो x आ गया 150 के बराबर। तो जो नंबर है वो क्या है, 3x और 2x है, तो जो हमारे नंबर है वो देखिए क्या आ जाएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 150 ये आ गया 450, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 150 ये कितना आ गया 300। तो ऐसे दो नंबर आ गए जिनका जो अनुपात है वो 3:2 है और जो अंतर है वो कितना है 150। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्लियर। आगे देखते हैं, हाँ जी, दो संख्याओं का जोड़ पांच सौ है और उनका अंतर 100 है, तो संख्याएं बताओ। तो कैसे निकाल सकते हैं, जो बड़ी संख्या है वो है 500 प्लस 100 बटे में 2, दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, और जो छोटी संख्या है 500 माइनस 100 बटे में 2, तो 400 बटे में 2 छोटी संख्या जो है वो कितनी आ गई 200। देखो इनका टोटल 500 है और इनका अंतर कितना है 100। तो इस तरीके से कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, भाई x प्लस वाई इक्वल टू 500, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, तो इनको ऐड किया तो ये आपका 2x आ गया 600, x की वैल्यू आ गई आपकी 300, और 300 यहाँ पे पुट करेंगे, 300 प्लस वाई 500, वाई इक्वल टू 200। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस लिखने का समझने का तरीका होता है, ऐसे भी कर सकते हैं और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर, बिल्कुल इजी तरीके से हमने ये कर लिया। हाँ जी, आगे देखिए, हाँ जी, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:3 है, यदि छोटी संख्या 150 हो तो बड़ी संख्या बताओ, क्लियर। अब देखिए, छोटी संख्या 3 है तो बड़ी कितनी है 5, 3 है तो 5, 1 है तो 5 बटे 3, और 150 है छोटी, तो 5 बटे 3 गुना में 150, तो ये कितना आ जाएगा 250, क्लियर। देखिए, छोटी संख्या 3 है, बड़ी 5 है, 3 है तो 5 है, 1 है तो 5/3, और 150 है तो मल्टीप्लाई 150 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 250। ये भी पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का योग बताओ, दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो यदि छोटी संख्या 3 है तो उन दोनों का योग कितना है 8 है, 1 है तो 8/3, और छोटी वाली 150 है तो ये आपका 150 हो गया, तो आंसर जो आपका है वो कितना आ गया 400, क्लियर। तो बहुत इजी तरीके से आज हमने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, है बहुत इजी, लेकिन हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे लेवल पे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो संख्याओं वाले क्वेश्चन है, दो संख्याएं दे रखी है उनका संख्याएं निकालनी है, उस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें रेशो निकालना करेंगे, जैसे ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, तो रेशो के ऊपर उसमें फोकस करेंगे, बी रेशो किस तरीके से निकालना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश यही रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।